तो पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार हम आपको दिन प्रतिदिन खबरें दिखा रहे हैं, तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं रामपुर में। क्या कुछ वहां पे तैयारी की गई है, क्या कुछ खामियां हैं, वो आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं रामपुर से लाइव। किस तरीके की तैयारी की गई है रामपुर में पंचायत के चुनाव को लेकर? जी मैं बता दूं, मैं इस समय रामपुर के सदर तहसील जी जो हकीमगंज है वहां पर खड़ा हूँ। अगर यहाँ की तैयारियों की बात करें तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर विकास कार्य किसी तरीके का नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो प्रधान है 5 साल लगातार वोट मांगने आते हैं और आके चले जाते हैं। यहाँ जो विकास की बात करें तो ना के बराबर है। स्थिति इतनी खराब है कि लोग मस्जिद में जाने के लिए भी पैरों को मतलब गीला हो जाती है, उनके स्थिति खराब हो जाती है, पैरों की सन जाते हैं, इसलिए मस्जिद में कई दिन से नमाज अदा करने नहीं गए हैं। जो यहाँ के लोग हैं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि अगर कोई मैयत भी हो जाए तो वो निकलने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ शौचालयों की बात करें तो ना के बराबर बने हैं, किसी का शौचालय नहीं बना है, ना ही किसी को आवास योजना दी गई है जी। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, ये यहाँ के जो पूर्व प्रधान है उनसे बात करते हैं और बात देते हैं जी। आप क्या नाम मेरा? तो यहाँ जो 5 साल लगातार विकास कार्य हुए उसमें प्रधान ने क्या काम किया? उसने क्या था, 2 साल बाद इस रास्ते में पानी चल रहे हैं, लोग परेशान है मस्जिदों में जाने के लिए। आज पता नहीं सुपर मीडिया वाले आ रहे हैं तो यहाँ का पानी खुद कर दिया, नहीं तो यहाँ कम से कम 1 फीट पानी खड़ा होता था। मच्छर गंदगी से इतना आ रहा है कि बीमारी फैल रही है। इस घर में जाकर देखो, ना मऊ दवाई थे, 3 लोग बुखार में पड़े हैं। अभी जाकर सेनेट चलाइए आप, यहाँ बोलो वो 3 लोग पड़े हैं, बीमारी बहुत फैल रही है। आज ये सफाई करने आ जाए हमारे, पूछ लो अगर कोई भैया भी कोई शादी फंक्शन होता है तो गांव के आदमियों को हमें बुला के सफाई करानी पड़ती है 100-200 रुपये देके। ये कंडीशन है यहाँ की। तो जो 5 साल जो प्रधान जी रहे हैं इस समय मौजूदा स्थिति में, उन्होंने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया किसी तरीके का? थोड़ा बहुत तो काम किया होगा, मगर यहाँ इधर नहीं किया। हमारी तरफ पूरा आधे गांव में बिल्कुल ऐसे पड़ा, कोई रास्ता नहीं किया अभी तक, कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाया किसी का। मतलब शौचालय जो कुछ पास हुए, जैसे सरकार की तरफ से योजनाएं लगातार चला रहे हैं जिस तरीके को देखती है, उसके बाद अभी तक किसी की मतलब कोई शौचालय या आवास पास नहीं है। वो रोजगार के पापा खड़े हैं, उनसे पता के लिए शौचालयों के बारे में बनवाए नहीं बनवाए, रोजगार के पापा खड़े हैं। तो देखिए हम और लोगों से बात करते हैं। आप कितना नाम है? मेरा नाम है मोहित। आप जो यहाँ के प्रधान रहे हैं 5 साल लगातार, उन्होंने शौचालय या किसी तरीके का आवास योजना और जो स्कीमें आती तरह तरह की लोगों को, तो किसी तरीके की दी नहीं दी आपने? नहीं, कोई आवाज नहीं आया है। ये तो आवाज अभी इनके भ्रष्ट निरस्त जो हुए हैं कार्यक्रम, इनके निरस्त हुए हैं तो उसके बाद से 2-3 आवाज आए हैं, बाकी इनके समय में कोई आवाज नहीं आया। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार पंचायत में चुनाव हो रहे हैं और पंचायत के चुनाव को लेकर तैयारी जो है वो जोरों शोरों पर है। अब लोगों का कहना है कि जो वहाँ के ग्रामीण हैं उनकी उनका कहना ये साफ तौर पर है कि 5 साल, जब 5 साल चुनाव होता है तो उसके बाद ही जो ग्राम प्रधान होते हैं सामने आते हैं और 5 साल तक उनका पता ही नहीं रहता है। लेकिन विकास का दावा करने वाले जब विकास कुछ करते ही नहीं है तो फिर इस तरीके से लोगों का आक्रोश देखा जाता है। तो लगातार ग्रामीण आक्रोशित हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो है चुनाव होने वाला है और ग्राम प्रधान लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूमि में आईडी ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर झारखंड से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पश्चिमी सिंहभूमि में आईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जख्मी, घायलों को एयरलिफ्ट से रांची भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान जो है जख्मी हुए हैं। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, घायलों को एयरलिफ्ट से रांची भेजा जा गया है, जहां पर पश्चिमी सिंहभूम में आपको बता दें कि ब्लास्ट हुआ है आईडी का, जहां पे 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान जख्मी हुए हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि जो है सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी वहां से सामने आई सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिमी सिंहभूम में आईडी ब्लास्ट हुआ है, जहां पर 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान जख्मी हुए हैं। इस वक्त
बड़ी और अहम खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं। तो फिर से हम जुड़ते हैं रामपुर से, सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, 5 साल बीतने को है, 5 साल अब चुनाव है, नए जो ग्राम प्रधान हैं उनको उनके क्या क्या मुद्दे हैं जो कि जो वो ग्रामीणों को लुभाना चाहते हैं? जी, मेरे साथ जो है इस समय आने वाले टाइम के लिए जो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं ग्राम प्रधान, उनसे मैं बात करता हूँ और बताता हूँ कि क्या उनके मुद्दे हैं और किस मुद्दों पर लेकर जो इलेक्शन लड़ेंगे। जी, क्या नाम? जो अब आने वाले जो इलेक्शन है इस समय आप जो है किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? हमारे विकास के ऊपर मुद्दा होता है। पहले हम चुनाव लड़े, जीते, विकास करवाया, कोई शिकायत आज से गांव में नहीं हुई हमारी। शौचालय भी हमने एक तरफ से सारे लोगों के बनवाए, अपोजिट हो या पॉजिट हो सारे लोगों से शौचालय बनवाए हमने। 32-33 हमने आवाज बनवाए थे पीछे हम चुनाव लड़े थे। 5 साल में हमें कभी राशन नहीं मिला था, पीछे 15 साल प्रधान दूसरा रहे। जब 5 साल हमने प्रधानी करी तो कंटिन्यू हर महीने राशन बढ़वाया। अच्छा, योजनाएं जिस तरीके से सरकार दे रही है तो उन योजनाओं का लाभ अभी मतलब इन लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ना, कोई लाभ नहीं, अब कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई शौचालय नहीं बना। अब जो आवाज आए थे वो शायद बने हैं या नहीं बने, बस उस अलावा कोई वो नहीं बना, कोई लाभ नहीं आ रहा। जी, मैं बता दूं, जिस तरीके से मैंने प्रधान जी से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक किसी को भी कोई लाभ नहीं मिला है, केवल 2 शौचालय। देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी बड़ी योजना है उसके बाद यहाँ की आबादी भी लगभग 2 गांव से जुड़ी हुई है, उसके बाद एक अकेले प्रधान होते हैं, उसमें यहाँ पर सिर्फ 2 शौचालय और ना ही कोई आवाज दिया गया है। जी सुरेश जी, जिस तरीके से ग्राम पंचायत चुनाव अब नजदीक है और 5 सालों में वो कौन से कार्य किए गए हैं जो कि पहले चुनाव से पहले जो है दावे किए गए थे कि हम विकास कार्य करेंगे, हम पानी और बिजली जो है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन 5 साल बीत गए और अब ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, उन 5 सालों का क्या कुछ जिस तरीके से कार्य रहा? जी, मैं बिल्कुल यहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि जिस तरीके से 5 साल जो प्रधान जी है उन्होंने यहाँ पर क्या विकास कार्य किए, क्या बिजली की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था या स्कूलों की जो व्यवस्था है वो किस तरीके की है? स्कूलों में भी अभी आन के गेट वेट लगाया है, स्कूलों में भी क्या हुआ है खाली, मतलब ये जो उनका रन पॉइंट हुआ है। अच्छा, जो पानी की व्यवस्था है, लोगों में जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, सरकार कह रही है कि संचारी रोग बहुत तेजी से फैलने वाला है, देखते हुए कोई कम वगैरह नहीं चल रहा है, किसी तरीके की कोई योजना नहीं, किसी रंग की नहीं है। जी बिल्कुल बता रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ की स्थिति है देखने वाली बात, आबादी के अनुसार भी यहाँ किसी भी तरीके का कोई विकास कार्य नहीं किया गया। जी सुरेश जी, जिस तरीके से इसके पहले जब चुनाव हुआ था तो जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने अपना एक जारी किया होगा, तो उस विज्ञापन में जो जारी किया था उन्होंने जो जो वादे किए थे उसमें कितने वादे पूरे किए हैं? जी मैं पूछता हूँ, यहाँ के एक बुजुर्ग खड़े हैं, जिस तरीके से सरकार ने पिछली सरकार में जो भी कुछ ग्राम प्रधानों को जैसे सूचनाएं जाती है कि वायदे किए जाते हैं या योजनाएं आती हैं तो लोग बताते हैं कि किस तरीके की योजनाएं हैं, इसको लाभ मिलेगा आपको, तो क्या ऐसा कुछ यहाँ पर किया प्रधान? हमारे यहाँ कोई लाभ नहीं है और हम बड़े परेशान, हम रातों से निकलने को परेशान है, सफाई कर्मी तक के यहाँ नहीं आते, सफाई कर्मी जो मौके का प्रधान है उसके आगे आकर झाड़ू मारी और चला गया। हमारे घर में 2 मैयतें हुई, इस रास्ते को हम नहीं गुजरे, दूसरे रास्ते से हम निकले, जब तक रास्ता हमारा ये था। तो कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान है उनकी लापरवाही है या ये 5 साल सोते में काट दिए, 5 साल सोते में काट दिए। स्कूल को जो आप पूछ रहे हैं, स्कूल में भी नरेगा का काम हुआ, इन्होंने नहीं करा आपको काम। अच्छा, जो अधिकारी हैं, जिस तरीके से लोग अधिकारी आते हैं ग्राम गांव में देखते हैं, सूचनाएं देते हैं कि ये योजना आई है या उस तरीके से कुछ नहीं? हमने डीएम साहब को भी शिकायत करी, हमने बीडीओ साहब को भी शिकायत करी, मार साहब हमारी कुछ सुनते नहीं। देखिए जिस तरीके से हमने पूछा उन्होंने बताया कि यहाँ किसी भी तरीके की ना ही कोई योजना का लोकार्पण किया गया, ना ही किसी को बताया गया, और उसके बावजूद जो ग्राम प्रधान है वो 5 साल इधर आने का नाम नहीं लेते हैं, जब इलेक्शन आता है तो आकर भी भाई एक कहते हैं कि लॉलीपॉप देना,
या जिस तरीके से प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन देकर उस तरीके से अपने जो इलेक्शन का वो पूरा करते हैं। जिस तरीके से पांच साल में जो विकास नहीं हुए इसको लेकर जो है ग्रामीण काफी जो है आक्रोशित दिख रहे हैं सुरेश जी, लेकिन जो है ग्रामीण आखिरकार जो उनके मुद्दे हैं, इससे पहले भी काफी मुद्दे रहे होंगे और आगे भी आने वाले समय में जो ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ रहे हैं उनके भी अलग से मुद्दे होंगे, लेकिन जो ग्रामीण है उनका क्या मांग है कि वो किस तरीके के ग्राम प्रधान चाहते हैं, कौन से मतलब क्या विकास कार्य हो, उनकी क्या मांगे है, जो प्रमुख मांगे हैं उनकी क्या मांगे हैं? अच्छा देखिए, जिस तरीके से अब जो इलेक्शन आ रहा है उसमें ग्राम प्रधान आप लोगों को चुनना है, तो जो ग्राम प्रधान अब आगे जो चुनेंगे उनमें आप लोगों की जो समस्याएं वो क्या क्या है वो बताइए। हम तो उनसे बात यही रखेंगे कि हमारे रास्ते सही होने चाहिए, नालियां सही होनी चाहिए, हमारी गौर करनी चाहिए, मगर इस बात जो प्रधान पुराना हमारा इस बात है वो रुपये बांटता है और वो खरीदता है। जो आपकी आपकी जो योजनाएं हैं वो क्या क्या हैं, जिस तरीके से क्या व्यवस्था चाहते हैं आने वाले? हम ये चाहते हैं कि हमारे रास्ते सही होने चाहिए, हमारी नालियां सही होनी चाहिए, सफाई कर्मी जब तनख्वाहें ले रहे हैं तो उसकी सफाई रखें। हम ये चाहते हैं, हमें कोई लाभ लालच नहीं किस तरह का। ये जो गरीब आदमी है उसका शौचालय बनना चाहिए, वो मतलब ये कि आवाज दरखास्त बननी चाहिए। तो आवास योजना किसी को देनी चाहिए? सिर्फ दो को दी गई है और वो भी अभी नहीं बने हैं, अधूरे हैं। बिल्कुल बात की तो लोगों ने बताया कि देखिए जिस तरीके से आक्रोश है यहाँ पर कि इतने बड़े गांव के होने के बावजूद भी, आबादी होने के बाद यहाँ केवल दो जो आवाज दिए थे वो भी अधूरे होंगे, अभी पूरे नहीं किए गए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें एक अच्छा ग्राम प्रधान चाहिए जो कि उनकी विकास कार्यों को आगे रफ्तार दे और विकास कार्यों में उनकी मदद करे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।